सुबह वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं हूँ प्रेम और गाइज ये पीछे लगी हुई है अपनी टाइगन। तो गाइज आज है धनतेरस, तो आप सब को मेरी ओर से हैप्पी धनतेरस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं TVS की ओर से आने वाली अपैची 164V का, जो कि BS7 अपडेट के साथ आ चुकी है और E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ भी। सो गाइज ये रही अपने सामने अपाची 160 TVS की ओर से आने वाली, जो कि BS7 है 2024 मॉडल, जो कि E20 फ्यूल के सपोर्ट के साथ आती है। आप देख सकते हो गाइज इसमें नया वाला बुल पंप एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है, जो कि कंपनी की ओर से अपडेट है। ब्लैक कलर में गाइज बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं आपको दोनों साइड से दिखा दे रहा हूँ। इस साइड से भी बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। तो गाइस बात करें बाइक के फ्रंट सेक्शन से, तो गाइस फ्रंट में हमें LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का जलता है। और यहाँ पे हमें एक LED DRL देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे हमें हैलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलता है, और एक यहाँ पर फ्लैग का स्टिकर देखने को मिलता है। और सामने वाले मडगार्ड पर गाइस हमें यहाँ पर TVS रेसिंग का स्टिकर देखने को मिलता है। और इसमें गाइज हमें स्मार्टेक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। गाइज यहाँ पे हमें मडगार्ड पे सुपर मोटो ABS का स्टिकर देखने को मिलता है। इसके अंदर गाइज सिंगल चैनल ABS आता है। और गाइज बात करें इसके डिस्क साइज़ की, तो इसके अंदर हमें 270mm का पेट्रोल डिस्क देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। गाइज आगे बढ़ते हैं फ्यूल टैंक की ओर, तो गाइज इसमें हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन में है। और आप देख सकते हो यहाँ पे E20 का सपोर्ट भी दिया गया है। और गाइज यहाँ पे साइड पैनल पे हमें अपैची की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। और गाइज नीचे में यहाँ पर हमें इंजन गार्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इसका। और गाइज हमें कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेग गार्ड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेक पेडल मिलता है, जो कि एल्युमिनियम फिनिश में है। और एक यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट मिलता है, जो कि ये भी एल्युमिनियम फिनिश में है। और गाइज यहाँ पे हमें बुल पंप एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कि BS7 अपडेट है। इसी से पता चलता है कि गाड़ी BS7 है। वीडियो के आगे गाइज मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाऊँगा। आगे बढ़े तो गाइज यहाँ पर हमें एक टायर हगर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। और गाइज इसके रियर में हमें 200mm का बेटल डिस्क साइज देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हमें प्रोवाइड कराता है। बात करें गाइज बाइक के रियर सेक्शन से, तो रियर में हमें LED टेल लैम्प देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें सीट खोलने के लिए की होल दिया गया है। और इसमें भी पीछे गाइज हैलोजन में इंडिकेटर दिए गए हैं, और यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट भी दी गई है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर गाइज हमें लेडीज़ फुटरेस्ट दिया गया है, और यहाँ पर ऊपर में हमें बैटमैन फिनिश में ग्रेवरल देखने को मिलता है। गाइज इसकी सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। गाइज इसके अंदर हमें यहाँ पे साइड स्टैंड पे इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। और गाइज इसके अंदर हमें 5 गियर देखने को मिलता है। और यहाँ पे गाइज हमें इसमें ओपन चैन मिलता है, जो कि आपको काफ़ी इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइज बात करें इसके टायर साइज की, तो रियर में गाइज हमें 130x17 इंचेस के रेडियल टायर देखने को मिलते हैं, जो कि ट्यूबलेस है। और गाइज फ्रंट में हमें 19x19 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमें 164.99 cc का SI4 स्टॉक ऑयल कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें मैक्स पावर 17.55 PS का मिलता है। और रेन और अर्बन में हमें 15.64 PS का पावर मिलता है। और वहीं बात करें मैक्स टॉर्क की, तो इसके अंदर हमें 14.73 Nm का मैक्स टॉर्क मिलता है, और रेन और अर्बन में हमें 14.14 Nm का मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है। बाइक के अंदर हमें गाइज ड्यूल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा साउंड करता है। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये गाइस बाइक का आइडल एग्जॉस्ट नोट है, चलो अब इसको रैप करते हैं। गाइस बात करें बाइक के हैंडल बार की, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारा फंक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस क्लच लीवर जो एल्युमिनियम फिनिश में देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे
हाई बीम लो बीम का स्विच है और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का स्विच है और गाइज ये इंडिकेटर का स्विच है और ये हॉर्न का स्विच है। गाइज यहाँ पे हमें राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे मोड का बटन दिया गया जो कि तीन मोड है, रेन, स्पोर्ट और अर्बन। और यहाँ पे गाइज लाइट का स्विच है और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। गाइज इस बाइक के अंदर हमें फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है जो कि सारा फंक्शन इसमें हमें दिखाता है। यहाँ पे टाइम का इंडिकेटर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे स्पीड का इंडिकेटर है, यहाँ पे साइड स्टैंड का इंडिकेटर और यहाँ पे गियर का इंडिकेटर और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इंडिकेटर है। इसके अंदर गाइज हमें तीन मोड मिलता है जो कि स्पोर्ट मोड में लगा हुआ है, रेन और अर्बन, तीन मोड देखने को मिलता है। तो चलो गाइज टाइम टू राइड द ब्यूटीफुल मशीन। अभी गाइज बाइक अर्बन मोड में है, चलो इस मोड में थोड़ा सा खींच के देखते हैं। बाइक का हॉर्न भी काफी अच्छा है। तो चलो गाइस जब बाइक को स्विच करते हैं स्पोर्ट मोड में। नाउ टाइम टू गो। सो गाइज नाउ टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। होप करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।